So years now I am sitting in the drawing area of इरफान भाई। अभी मैं इधर मौजूद हूँ इरफान भाई के घर में। और सीरियसली व्यूअर्स, बच्चे इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे कि रात के 2 बजे भी वो लोग नहीं सोए, और वो इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे कि किस वक्त वैनम आए, द ग्रैंड सन ऑफ द वर्ल्ड चैम्पियन गैरी एंड द सन ऑफ एडी। अस्सलाम वालेकुम, ये थी शाहजहान अली फ्रॉम द कैंडल ऑफ टू ब्रीडर्स। व्यूअर्स, राइट नाउ आई एम हियर इन सिटी हाउसिंग सोसाइटी। मैं इधर गुजरावाला में मौजूद हूँ। मेरे बहुत प्यारे भाई, एक बड़े अच्छे कस्टमर हैं, उन्होंने मुझे अमेरिका से कॉन्टेक्ट किया है इरफान भाई। उन्होंने कहा शाह साहब, वी नीड अ वेरी वेरी ब्लास्टर टाइप ऑफ ब्लैक एंड रेड पपी। और जब मेरी उनसे सारी बातचीत मुकम्मल हुई एंड ही रिक्वेस्टेड मी डैट प्लीज़ कम हियर, आप लोग हमारे घर आए और हमारे घर आके प्लीज़ हमें पपी डिलीवर करके जाए। तो आई एम राइट नाउ हियर इन द हाउस ऑफ इरफान भाई। अभी मैं इंशाल्लाह ऑन द अदर पार्ट ऑफ वीडियो फैमिली से इंट्रोड्यूस करूँगा। छोटे छोटे बच्चे भी जाग रहे हैं, रात के 2 बज चुके हैं। इंशाल्लाह आई विल मीट यू ऑन द अदर साइड। थैंक यू। सो व्यूअर्स, अभी मैं मौजूद हूँ इरफान भाई के साथ, और आप यकीन जाने कि जैसे मैं इधर पहुंचा, रात के 2:30 का टाइम, और इतनी ज़्यादा थकन ट्रैवलिंग की भी होती है, बट सीरियसली इतने पुरखलूस इंसान, इतनी मोहब्बत और इतनी अपनाइत दी, और आई एम रियली रियली वेरी हैप्पी टू मीट हिम एंड मीट हिज फैमिली आल्सो। एंड अल्हम्दुलिल्लाह, आई जस्ट नेवर फील फॉर द सिंगल मोमेंट डेट आई हैव केम ऑन द अदर प्लेस। मुझे ऐसे लगा कि मैं सिर्फ सीरियसली अपने घर में हूँ। इरफान भाई ने इतनी इज्जत दी। मैं व्यूअर्स आपको उनके साथ इंट्रोड्यूस करूँगा। ही इज वेरी लवली गाय एंड ही इज वेरी 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 हैप्पी टू सी वैनम, कि जब उन्होंने पपी को देखा और उनकी क्या फीलिंग्स थी, वो मेरे तक कैसे रीच हुए, छोटा सा बस उनसे कुछ पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई। अस्सलाम जी, कैसे हैं इरफान भाई? इरफान भाई, बड़ा शॉर्टली, आपका टाइम नहीं लेंगे ज्यादा, ये बताएं कि आप सबसे पहले आपने ट्रू ब्रीडर्स को सर्च किया, और जब आपने हमें यूट्यूब या किसी भी सोशल मीडिया पे देखा, तो कैसा था आपके लिए कि किस तरह का वो पपी होगा, या वाकई ऐसी चीज होगी जो इन्होंने दिखाई या नहीं दिखाई? बिकॉज ट्रेंड इन पाकिस्तान बहुत सी चीजें डिफरेंट होती हैं। So what was the experience about to take this puppy? और जब ये live देखा आपको, तो ये कैसा लगा? मेरे expectation मुझसे कुछ ज़्यादा ही निकली आपकी। So it was very nice. Thank you. नाम है? तो मेरे expectations ज़्यादा ही अच्छा था। Alhamdulillah. And Irfan bhai, you are just keeping this dog for the first time? For the first time, yeah. और आप लोग इसको फर्स्ट टाइम रख रहे हैं शेफर्ड्स को? जी, बच्चों के लिए। बच्चों के लिए रख रहे हैं? आपके बच्चे बहुत एक्साइटेड थे जी अभी तक। रात के 3 बज गए हैं। अपने तमाम तर फॉलोअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, देखने वालों को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज मैं आप लोगों को ये जरूर कहूंगा कि आप लोग भी जब भी कोई डॉग कोई पपी बाय करते हैं, किसी से भी ले, सब लोग जो भी पाकिस्तान में ब्रीडिंग का काम कर रहे हैं, दे आर एक्सीलेंट, सब बहुत अच्छे हैं। जब भी लें, जिससे भी लें, आप पूरी तसल्ली करें, अपने जानवर को पूरा अच्छे तरीके से उसको देखें, और जब वो आपके पास आ जाए, आप उसकी टोटल ब्लड लाइन हिस्ट्री को देखें, और देन यू कैन टेक दिस। और जब आप अपनी सर्विसेज, दिस मैसेज फॉर माई ऑल दोज ब्रदर्स हु आर डूइंग दिस, और जब आप अपनी सर्विसेज को स्ट्रॉन्ग करते हैं और आप रिलाई करते हैं, जो आपका कस्टमर आप पर रिलाई करता है और आप उस पर पूरा उतरते हैं, तो इससे अच्छी खुशी कभी महसूस नहीं होती। मुझे एक मोमेंट के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि मैं लाइक 100 किलोमीटर का सफ़र करके आया। उसकी रीज़न ये थी इन भाइयों की अपनाया। और सीरियसली आई रियली लव टू बी हेयर, और मुझे सारी थकन उतर गई।